फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे देखिए एक भैंस का बच्चा है, थोड़ी है एक। देखिए ये हिमालय पर्वत है यहाँ पे बाबा, ये पूरा गीत है। नमस्कार, पैलाग मिर्सी, मैं प्रेरणा कड़ाकोटी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आज राखी का त्यौहार है तो हम राखी अभी मनाएंगे। पंडित जी से हमने पूछा कि कब किस टाइम सही मुहूर्त है, तो पंडित जी ने बताया है कि 11:30-11:30 से हम राखी बांध सकते हैं। तो अभी हम राखी बांधेंगे, तो सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। तो चलते हैं और अंदर राखी बांधने की तैयारी करते हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने राखी दे रखी है। अच्छा, ये तुम्हारी फ्रेंड्स, जैसा कि आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के लिए हम लोग आए हुए थे घर। मैंने गांव का ब्लॉग बनाया नहीं इस बार क्योंकि हम कल ही आए थे, तो आज वापस जा रहे हैं। तो अभी हैं हम आधे रास्ते में, हम घर से निकल चुके हैं, अभी अभी निकले हैं। अभी 4-5 किलोमीटर आगे जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लगातार जा रहे हैं और यहाँ पे आगे से पत्थर आ गया है गाड़ी के, तो गाड़ी रोक दी है क्योंकि आजकल पहाड़ों में बहुत ही भूस्खलन होता है, बारिश हुई थी कल रात को। तो अभी चलते हैं आगे और आगे दिखाऊंगी मैं आपको, थोड़ा यहाँ पे दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि कहाँ पे हो रखा है भूस्खलन, तो दिखाती हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे देखिए एक भैंस का बच्चा है, थोरी है एक, जिसे हम थोरी बोलते हैं। तो ये मेरे पास आ रही है, देखिए जितना मैं दूर जा रही हूँ उतना पास आ रही है, देखिए। अरे ये मेरे पे आ रही है भाई, ये देखिए। हमारे यहाँ पे जो भैंस का बच्चा होता है मेल, इसको छोड़ दिया जाता है इस तरह से, देखिए। अभी ये 1-2 दिन का होगा बस, इसको जन्म लेते ही छोड़ दिया जाता है, बट ये 1-2 दिन का लग रहा है क्योंकि ये खूब भाग रहा है इधर उधर। ये देखिए जहाँ पर उसको काला दिख रहा है वो सोच रहा है कि वहीं पर मेरी माँ है। देखिए मैंने ग्रे कलर की साड़ी पहनी है तो ये किस तरह से मेरे पे लिपट रहा है, इसको लग रहा है कि दूध पीने का हो रहा है उसका। देखो देखो, दूध पीने के लिए कर रहा है, ये तो गलत बात है ना। हाँ यार, ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ यार, इतनी छोटी तो है यार, और एक ना इतना छोटा सा तुम्हारे यहाँ भी तो छोड़ देते हैं यार ऐसे। और हमारा एक कुत्ता मिला था, उसको इतना छोटा कुत्ता मिला था हमको। सुना सुना सुना, देखो किस तरह से मेरी उंगलियों को चूस रहा है ये। नजदीक से आवाज सुना, आवाज सुना, वो इसके यहाँ पर मेरी उंगली को चूस रहा है। हाँ, भाव को दूध पीने का मन नहीं है, भूख लगी है उसको। इसके यहाँ पर बाल निकला है, उसको वो छोड़ दिया होगा ना, गिर गया होगा कहीं से। देखो उसके यहाँ पर भी बाल भी निकले थोड़े बहुत। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं मानिला और डोटियाल के बीच में, हम रतखाल के थोड़ा सा जस्ट ऊपर हैं। तो अभी गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और हम यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा नीचे घूमने के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आज अपने यहाँ से डोटियाल और रतखाल के बीच में जो गैस एजेंसी है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। देखिए ये हिमालय पर्वत है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के ऊपर देखिए कितने सारे बादल लगे हुए हैं,
जाड़ों में हिमालय पर्वत एकदम क्लियर दिखाई देता है और अभी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर व्यू है हिमालय पर्वत का। देखिए फोटोग्राफी बच्चे कर रहे हैं, एंजॉय एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। देखिए बाबूजी आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहा है मेरा बच्चा? नमकीन खा रहे हो? कौन सी नमकीन खा रहे हो? मीठी वाली। मीठी वाली ठीक है। जैसे कि अभी हम रतखाल के थोड़ा ऊपर रुके हुए थे और अभी अब हम तल्ला मानला मंदिर में आ गए हैं, माँ मानला के मंदिर में। तो अब यहाँ से जाएंगे हम, प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, आपको भी ले चलती हूँ आज मंदिर में। तो अंदर का सीन मैंने आपको दिखाया नहीं है, आज अंदर का सीन दिखा देती हूँ क्योंकि अभी भीड़ भी नहीं है, शाम का टाइम है। तो चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर। बड़ा सघन देखो जरा, हमको भी मजा नहीं, हमको हिल नहीं रहा उससे, मेरे से भी नहीं हिलेगा। हिल गया भाई, हिल गया। और ये रहा गेट, ये पूरा गेट है, यहाँ से चलते हैं बंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ दिखाया था यहाँ का, बट आज बहुत शांति है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी यहाँ पे। तो आज मैं पूरा दिखाती हूँ आपको फिर से। और जहाँ पे मेरा भाई है, ये मेरा भाई इस मंदिर के अंदर, ये पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो इसके अंदर ढोल नंगाड़े की आवाज़ आती है कहते हैं। अपने आप मम्मी ध्यान से सुनो, ध्यान से। दूसरा मंदिर माता का ये है, तो ऐसे बोलते हैं कि इनके अंदर ढोल नगाड़े की आवाज आती है। ये है मंदिर माता का, हाँ मेन मंदिर वो है, लेकिन यहाँ पे पूजा की जाती है ना माता दी। देखिए तो मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये गोल देवता जी हैं, ये देखिए, और मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। और ये हैं नरसिंह देवता, नरसिंह देवता हैं हमारे उत्तराखंड में जिन देवताओं को मुख्य रूप से पूजा जाता है, ये वो देवता हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हैं सैम देवता, ये सैम देवता। और ये हैं बधाण देवता, ये बधाण देवता वो देवता होते हैं जो कि जब किसी की भी गाय या भैंस मतलब बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद इनको पूजा जाता है। और ये हैं श्री कृष्ण गोपी, ये गोलदारानी, बचपन में हमने गोलदारानी को बहुत पूजा है। तो गोलदारानी के बारे में हमको ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो हम लोग गोलदारानी को पूजते थे, मेरे मायके में, ससुराल में तो नहीं पूछते हैं। और ये हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ देवता हैं ये, ये देखिए। और बहुत सारे देवता हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सबको दिखाऊंगी एक एक करके। ये नागार्जुन है, नागार्जुन देवता, ये है नागराज, ये नागराज देवता है, और ये है हमारे नवग्रह देवता, नवग्रह है ये। और ये है गायत्री माता, गायत्री माता है ये। और ये है सजय पाल देवता,
सजीव पाल देवता। ये और ये है महारानी जिया, जो कि उत्तराखंड की महारानी जिया जिया माता। ये है और ये है हमारे धामदेव, धामदेव जिन्हें कत्यूर भी कहा जाता है। ये देखिए, और ये है ब्रह्मदेव। ये क्षेत्रपाल देवता, ये क्षेत्रपाल देवता हैं। तो यहाँ पे पूरे जो ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, ये 15 मंदिर हैं, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये है, तो चलते हैं यहाँ से भारत। ये बट वृक्ष जो कि मैंने आपको अभी पहले भी दिखाया, तो मन्नत मांग रखी है। देखिए लोगों ने यहाँ पे चुनरियाँ बांध रखी हैं बट वृक्ष से मन्नत है। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो ये है सारा मंदिर माँ मानला का, तल्ला मानला है, मल्ला मानला ऊपर है दुर्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये है तल्ला मानला। अभी हम जैनल में पहुंचे हुए हैं और बच्चों को भूख लगी थी, तो यहाँ पे आए हैं होटल में। तो मैंने मंगाए थे अपने हस्बैंड के लिए छोले और बन खारे। तो बच्चे, देखिए बच्चे कह रहे हैं टेस्ट कराओ। तो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है 3 हाफ चाउमीन और ये खाएंगे छोले। तो अभी खा पी के आ गए हैं हम बाहर और गाड़ी के पास आ गई हूँ मैं, और दोनों घूम के आ रहे हैं। देखो घूम के आ रहे हैं और मैं गाड़ी के पास आ गई हूँ और बेटा मेरा हैंड वॉश कर रहा है अभी। तो यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखा देती हूँ आपको बैक कैमरे से। और बादल देख के क्या मस्त लग रहे हैं, जैसे रजाई रुई होगी, क्या मस्त लग रहा है मौसम। ये सन है यहाँ पे और ये है जनरल का नज़ारा कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम अभी पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।